मध्य प्रदेश के गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बता दें कि इस मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सीएम मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि शिवपुरी की जनता ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का ऐतिहासिक स्वागत किया है। इससे साफ दिख रहा है जनता का भरपूर सहयोग है और भारतीय जनता पार्टी इस बार मध्य प्रदेश के 29 सीटों में जीतेगी। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए पूरा देश मोदीमय हो चुका है और आज जिस प्रकार से सैलाब हो रहा है हमारा गुना से शिवपुरी तक, मेरे साथ माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदास शर्मा जी और जो आज के इस पूरे कार्यक्रम के एक तरह से हीरो है जिनका नामिनेशन आज जमा हुआ, श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जिस प्रकार से जनता ने पलक पावड़े बिछा के स्वागत किया है, ये अपने आप में इस बात का एहसास करा रहा है कि हमारी जीत कितने अच्छे ढंग से होने वाली है। खासकर मोदी जी के नेतृत्व में मैं आज मैं गुना से ही लौटा हूँ, गुना होकर के फिर शिवपुरी तक आया हूँ। मेरे साथ हम सब लोग ही आए और ये मान के चलो ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से केवल कमल खिल रहा है और कुछ हो नहीं रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐतिहासिक जीत की तरफ हमारी भाजपा बढ़ेगी और खासकर इस बार 29 की 29 लोकसभा हम जीतने जाएंगे। मेरी अपनी ओर से माननीय सिंधिया जी को बधाई।